शरद भाई मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। शरद भाई मेरे दो हाँ प्रश्न हैं आपसे। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं गोर्धन भट्ट साहब कि बीजेपी के बवाल के कारण जिसने नहीं सुना था वो भी उन वीडियो को बार बार देख रहा है, राहुल का प्रचार हो रहा है, साथ में मोदी जी के कारनामे सामने आने लगे। मैं भी आपको बताऊं, मेरे यहाँ हम लोगों ने जो राहुल गांधी ने जो पहला स्पीच दिया वहां कैम्ब्रिज में, उसको हम लोग ने भी लगाया था अपने, वो बीच में उसको देखना कम, वो फिर से उसको लोग खूब देख रहे हैं। मतलब मैं तो उसको रोज देख रहा हूँ, उसको लोग फिर से आके देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये जो हरकत कर रही है, मैं आपसे एक चीज तो पहले ये पूछ रहा हूँ, उसका जैसे भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने उनकी टी शर्ट और विवेकानंद की मूर्ति पे प्रणाम नहीं किया, फलाना नहीं किया, उससे भारत जोड़ो यात्रा को एक किक स्टार्ट मिल गया। उसी तरह से जो बातें राहुल गांधी ने उठाई हैं, और अगर कोई ठीक से उन सारे भाषणों को सुन ले तो खुद ही कन्विंस हो जाएगा जो कि ये तो जो देश में हो रहा ठीक नहीं हो रहा। एक तो प्रश्न आपसे ये है, बिल्कुल दूसरा एक प्रश्न और साथ में इसलिए जोड़ दूं कि मेरे और आपके के जो सांसद हैं वो राजनाथ सिंह साहब गंभीर व्यक्ति हैं, और मैं दर्शकों को भी बता दूं फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, और उनकी कोई डिग्री ये नहीं है, उनके पढ़ाए हुए आपको बच्चे भी मिल जाएंगे, उनके साथ के पढ़े हुए दोस्त भी मिल जाएंगे ऐसे उनकी व्यक्ति। कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस नहीं है, उनकी हाँ, कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस इनके साथ ही भी मिल जाएंगे जो इनके क्लास फेलो हैं, इनके साथ पढ़ाए हुए बच्चे भी मिल जाएंगे ऐसे व्यक्ति से। जब कल उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो ऐसा लगा उनके ये इस तरह की भाषा जल्दी राजनाथ सिंह के मुंह से हम लोगों ने नहीं सुनी है। तो इन दोनों प्रश्नों का, राहुल गांधी का और राजनाथ सिंह को जबरदस्ती ढकेला गया है इस विवाद में, जिससे थोड़ी क्रेडेंशियल थोड़ी क्रेडिटेबिलिटी आ जाए। देखिए, आप देख रहे हैं, शुरू से आपने बात का जवाब खुद ही दे दिया। देखिए, जब ये कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बोलता है। अभी जो सतीश भाई ने कहा जो है वो बिल्कुल सही है कि जो भी बोलता है वो कहीं से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। ये जो हम जहाँ रह रहे हैं वो अब मुझे नहीं लगता कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कागज पर तो जरूर है, बट रियलिटी में बहुत फर्क है। मुझे तो बार बार लगता है कि वो 1930s का के जर्मनी में जी रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक को कहा जाता है कि क्या बोलना है, और राजनाथ जी की भी मजबूरी है होगी कि उनको ये बोलना पड़ रहा है। जो भी बोलते हैं बड़ी मुश्किल बोलते हैं आजकल, लेकिन वो जब बोलते हैं, अब उनको अपने वो सुना ये है कि उन्हें मार्गदर्शन मंडल में भेजने की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि वो जो रूल बनाया गया है वो बाकी सबके लिए तो अप्लाई करेगा, सिवाय एक व्यक्ति के बाकी सब पे अप्लाई करेगा। तो राजनाथ जी का भी नंबर आने वाला है, और उनके बेटे के पोस्टर्स लखनऊ में ऑलरेडी लगना शुरू हो गए, जिससे जाहिर हो रहा है कि शायद उनके लिए प्रयास हो रहा है कि उन्हें उनकी जगह टिकट मिल जाए। तो उनकी भाई जाहिर है बड़ी मजबूरी है, उनको जो भी कहा जाएगा वो बोलेंगे। और आपने सही कहा, उनसे इसलिए बुलवाया जा रहा है जिससे कि मामले में थोड़ी सीरियसनेस दिखे। बाकी अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल और ये लोग क्या, पीयूष गोयल तो देखिए वो जो ऑस्कर अवार्ड मिले हैं उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि जो फिल्म मेकर है उसके उसको क्रेडिट कि ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने पहचाना, और आज देखिए उन्हें ऑस्कर मिल गया। तो जब चाटुकार व्यवस्था हो जाए, साइकोफेंसी सुप्रीम हो जाए, तो फिर इसी तरीके का माहौल होता है। आई एम नॉट सरप्राइज जो चल रहा है। अब ये हो गया कैंपेन। अब जब अडानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अडानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय लोकतंत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब अडानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रियलिटी देखिए ना। तो अडानी को प्रोटेक्ट करने के लिए राहुल गांधी को रन डाउन किया जाए तो इसमें क्या बुराई है भाई? वही एक तरीका है कि अटेंशन डाइवर्ट करिए, बार बार इस तरह की एक्टिविटी कर। अब आप देखिए वो जो आप कह रहे हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि वाली बात कि जो जो करते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अब बीबीसी वाला जब इन्होंने वो बैन किया उसको और रेड करना शुरू कर, तो लोगों ने ढूंढ ढूंढ करके वो उसकी क्लिप, हालांकि सब जगह उन्होंने रुकवा रखा था, लेकिन लोगों ने ढूंढ ढूंढ करके किसी के पास वो थी, पेन ड्राइव में थी किसी, जैसे नहीं शरद भाई, मुझे भी ये नहीं पता था बीबीसी से की डॉक्यूमेंट्री देखने से पहले कि मोदी जी को एक बार इंग्लैंड से वापस जल्दी से इसलिए आना पड़ा था कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। मुझे डॉक्यूमेंट्री देखने से पहले ये बात नहीं मालूम थी, जब डॉक्यूमेंट्री देख ली और एविडेंस के साथ नहीं, तो बता रहा है तो मुझे पहली बार उस पता टाइम पे लगा। भी, उस टाइम पे सारे आनंद भाई उस टाइम सारे मीडिया में वो चीज सब वो चर्चा में थी, सारी बातें जो बीबीसी की इसमें आई हैं, कोई उसमें नई चीज नहीं थी। और उस टाइम पे क्योंकि कंट्रोल नहीं था मीडिया पे तो दिखा। अब वो इतने साल बाद
जब उन्हें लगता है कि सब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें क्लीन चिट मिल गई, उसके बाद ये दिखाया जा रहा है। कोई उसमें वही सारी बातें थी जो बड़े अच्छे तरीके से बीबीसी ने प्रेजेंट करी, जिसने भी देखी सबने देखा, तो अब बड़ा एकदम से रिएक्शन जी। मतलब सुप्रीम लीडर वो जिसे कहा, जिसे जो भी भाषा में फासिस्ट वाली रजीम, जब वो आप पोजीशन में हो जाते तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है, डिसेंट नाम की चीज बर्दाश्त नहीं होती है। कोई हमारे आलोचना करे तो मतलब बिल्कुल ही आउटरेज, ये हमारी आलोचना भाई, मैं मालिक, मैं दाता, मैं भगवान, तो मेरे खिलाफ है राजा, शरद भाई का शायद फिर से कनेक्शन की दिक्कत हो गई है। नहीं अभी आ रही आवाज, अभी आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में ये एक्सपेक्ट ही ना करिए, अब तो यही सब एक्सपेक्ट करिए, अब तो एक्सपेक्ट ये करिए कि थोड़े दिनों बाद हमारे यहाँ के चैनल पे ताला कैसे लगता है। अब तो जब जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है तो यही होगा। अच्छा चैनल्स आपके वो बोलेंगे जो आप बोलो, हिज मास्टर्स वॉइस, अखबारों में हिज मास्टर्स वॉइस, और दोनों तरीके से, इंटिमिडेशन से भी और खरीद के भी। मैं खरीदने वाले को ब्लेम नहीं करता इसमें, मैं उनको नहीं ब्लेम करता हूँ, जो बिक रहे हैं उनको ब्लेम करने की बात है। अखबार वही लिखते हैं जो वो चाहते हैं, चैनल में वही दिखाया जाता है वो चाहते हैं, तो बेशर्मी से। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बैठ करके आलोचना करेगा, राहुल गांधी आलोचना करेंगे तो कैसे खामोश रहेंगे? मतलब किसी की मजाल नहीं है कि जरा सा चू कर दे, पूरा एंटायर इंडियन मीडिया हमारे कदमों में पड़ा रहता है, और यहाँ पे ये आदमी बोल रहा है और ये दिखाया जा रहा है, कैसे चलेगा? तो ये अब राहुल गांधी को अपने आप को रीओरियंट करना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र ध्वस्त नहीं हो रहा है, ये अब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, अब आप जरा सोच समझ के बोलिए। तो ये, और ये जिस तरह से कैंपेन चल रहा है, पूरे साइकोफेंट्स लगे हुए हैं कि ये हो गया और माफी मांगे और ये करें वो करें, और ये वाली, ये जो आपने लेकिन जो क्लिप दिखाई है आनंद भाई, ये मोदी वाली, मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह वो बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता है वो किसी और को कोट करते हुए बात बोल रहे हैं। बाकी वो करते हैं बहुत कुछ तमाशे करे, उन्होंने वो हाउडी मोदी किया वो जो वहां पे हुआ था, और उसके बाद इस बार ट्रंप सरकार वो क्या, अब की बार ट्रंप सरकार, ये कौन सा तरीका था बोलने, ये क्या बोलना चाहिए किसी एक कंट्री के हेड ऑफ गवर्नमेंट को दूसरी जगह जाकर के उनकी कैंपेनिंग कर रही थी के लिए, और वो भी उसमें इंडियन डायस्पोरा बैठा हुआ था, उसमें तमाम वोटर्स हैं जो अमेरिकन वोटर्स हैं। तो लेकिन अब आज की स्थिति में ये है कि हम करें तो पुण्य, तुम करो तो पाप, जो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब हम लोग को आई थिंक हमें सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह, और इसमें कोई ना मुश्किल सबसे बड़ी यही है जो व्यवस्था, जो मुझे ये जिगर भाई कह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन, काश उनकी बात सही निकले जो वो कह रहे हैं कि सिचुएशन बदल रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, इसलिए क्योंकि लोगों के दिमाग इतने पॉइजन कर रखे हैं, वो एक ही तरीका उसका ढूंढना है। जिस तरह जर्मनी में ज्यूज के खिलाफ नफरत पैदा करी गई थी, हर जर्मन क्रिश्चियन एक सड़क पर चलते ज्यू को नफरत की नजर से देखता था, आज हमारे यहाँ इस तरीके की स्थिति कायम हो गई में कामयाब हो गए हैं लोग कि सड़क चलते हिंदू जो है वो मुसलमान से वैसे ही नफरत करे, और वो उसको बड़ी सिस्टमैटिकली पूरा चलाया गया क्योंकि उसके जरिए से वोट मिलता है। अब आप पाकिस्तान का जिक्र हो तो चाइना का नहीं होता, चाइना हमारा मच मोर डेंजरस दुश्मन है, दोनों दुश्मन है, वो ज्यादा बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसका जिक्र नहीं होता क्योंकि उससे वोट नहीं मिलना है, पाकिस्तान मुस्लिम। तो जहां जो हर नैरेटिव उस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है जिससे कि वोट में कन्वर्ट हो, और जब तक ये वोट लोगों के माइंड्स कैप्चर कर लेंगे बम्बार्डमेंट के जरिए से, और झूठ इतना ज्यादा है उस बम्बार्डमेंट में, झूठ का बम्बार्डमेंट, और उसको लोग सच मानने लगे, वो भी आरएसएस की बड़ी सक्सेस है, मैं तो कहता हूँ उनकी बड़ी भारी सक्सेस है कि इतना झूठ फैला करके लोगों के माइंड्स पे इन्फ्लुएंस कर लिया कि साहब वही सच है, कि हम और आप ये सोचने लगे कि हमारा सच सच है या इनका झूठ सच है। तो इस तरीके की स्थिति, राहुल गांधी का जिसने भी क्लिप सुनी है, मैंने तो सुनी है, सारी क्लिप सुनी है,
कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नहीं कही है जिसको कोट कर रहे हैं। और बड़े बड़े उनके नेता कह रहे हैं कि साहब उन्होंने तो बाकायदा कहा कि इंटरवेंशन करिए यूरोप और अमेरिका को, कहीं नहीं कहा उन्होंने। तो ये तक कहा कि जब उनसे पूछा गया मीट द प्रेस में कि क्या आप हमसे हमारी क्या अपेक्षा है, हमारे लोगों से आपकी क्या अपेक्षा है, तो उन्होंने कहा कि हमारी आपसे कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि हम ये चीज हमारा अंदरूनी मामला है और ये हम लोग खुद सॉर्ट आउट करेंगे। अब इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या बोल सकता है। लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि नहीं, वी हैव टू पुट वर्ड्स इनटू हिज माउथ एंड वी हैव टू स्प्रेड द वर्ड कि यही सही है, और वही चल रहा है। मेरे को आज ही दो लोग मिले बंबई से आए थे यहाँ, और वो कहने लगे लेकिन देखिए राहुल गांधी ने बड़ी बेवकूफी की बात कर ली। मैंने कहा आपने सुनी क्लिप? उन्होंने सुना नहीं वो छाप। तो मैंने कहा भैया पहले सुन लो फिर आप बोलना मान लेंगे। तो होता क्या है कि मेजोरिटी जो है वो उसी को बिलीव करती है जो ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं। तो इस मामले में इनकी ग्रैंड सक्सेस है झूठ का अंबार खड़ा करने में, और वो मॉडल दिल्ली से लेकर लखनऊ तक वो फॉलो। शरद भाई चलते चलते एक आपसे एक और इसी पे, आपको कैसे लग रहा है लोकसभा किस तरफ बढ़ रही है? क्योंकि कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है कि पक्ष जो है वो इस लोकसभा को चलने देगा। अजीब सी स्थिति हो गई, मतलब सरकार नहीं चलने दे रही है, और सरकार क्योंकि वो अजीब सी डिमांड है कि वो माफी मांगो माफी मांगो, इस डिमांड का कोई सिर पैर तो है नहीं। तो आप कैसे क्या देख रहे हैं कि ये लोकसभा या सदन दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों, ये आगे कैसे आप देख रहे हैं अगले दो चार दिन में, फ्राइडे तक कम से कम? शरद भाई शरद भाई का हमसे लिंक वो हो गया। ब्रजेश जी आपसे, ब्रजेश जी आपसे, शरद भाई आप कैसे देख रहे हैं, मतलब कल परसों कुछ स्टेलमेट से कोई निकलेगा मामला कि ऐसे चलता रहेगा? मुझे देखिए ये जिस तरीके का उनका पूरा कैंपेन है और उद्देश्य है, किसी भी तरह सूरत में वो चाहते नहीं है कि ये मामला, और इस तरह हाईलाइट करना चाहते हैं, और क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं इस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं कि राहुल गांधी की गलती है, वही है बम्बार्डमेंट, झूठ का बम्बार्डमेंट करके ऐसा कर दो, उस झूठ के आधार पे ब्रांड कर दो, लेबल कर दो राहुल गांधी को कि यही कल्प्रिट, ये राष्ट्रवाद, सो कॉल्ड राष्ट्रवाद जिसे ये राष्ट्रवाद कहते हैं, उसको लेकर के ये बहुत उठने वाले, तो मंदिर रहेगा राष्ट्रवाद रहेगा, और उसमें इनको ये सूट करता है नैरेटिव, इनको ये खतरा डेफिनेटली हो गया है। जैसे कई लोगों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जो राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बनी है, जो पुरानी पप्पू की इमेज जो इन लोगों ने बिल्ड करी थी वो खत्म हो गई है, तो उस पर पानी फिर गया है। तो इसलिए इनको ये जरूरी है इस वक्त, तो ये और किसी एक्सटेंड तक जाएंगे, तो ये मत उम्मीद करिए कि दो दिन में ये शांत हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता।